दोस्तों न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में भारत को 4 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। तफसीलात के मुताबिक सीडन पार्क हमिल्टन में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग की दावत दी, जिसने मुकर्रर 50 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। शरियास आयर ने 107 गेंदों पर 1 छक्के और 11 चौकों की मदद से 103 रन की इनिंग खेली, जबकि लुकेश राहुल 88, पृथ्वी शाह 20, विराट कोहली 51 और रविंदर जडेजा सिर्फ 26 रन बनाने में कामयाब हुए। न्यूजीलैंड की जनब से टॉम सोथी सबसे कामयाब बॉलर रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 85 रन की ऑल 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि कोलन डी ग्रैंड होम और एच सोथी ने 1-1 विकेट हासिल की। न्यूजीलैंड की टीम ने मुकर्रर हदफ रॉस टेलर की उम्दा सेंचुरी की बदौलत 48.1 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर दी। रॉस टेलर ने जरहाना बल्लेबाजी करते हुए 84 गेंदों में 4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 109 रन बनाए, जबकि मार्टिन गोपिल ने 32, हेनरी निकोलस 78, टॉम ब्लेंडल ने 9, टॉम लेथम ने 69, जेमी निशाम ने 9, कोलन डी ग्रैंड होम ने 1 और मिचेल सेनेटर ने 12 रन बनाए। भारत की जनब से कुलदीप यादव सबसे कामयाब बॉलर रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 84 रन के और 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि मोहम्मद शामी और शेरदिल ठाकर ने 1-1 विकेट हासिल की। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।